हेलो जी, नमस्ते। आज हम एशिया के सबसे पुराने स्कूल को देखेंगे और जानेंगे स्कूल के बारे में। एशिया का सबसे पुराना बोर्डिंग स्कूल शिमला में है। शिमला एक सुंदर शहर है और शांत शहर है, उसी तरह ये स्कूल भी बहुत सुंदर है। इस स्कूल की गिनती हिमाचल प्रदेश के टॉप 5 स्कूलों में से आती है। ये स्कूल 1859 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। इस स्कूल से बहुत ही महान व्यक्ति पढ़कर गए हैं, उनका नाम मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ विश्व विख्यात प्रसिद्ध स्कूल BCS स्कूल की, यानी कि विश्व कॉटन स्कूल की, जो कि न्यू शिमला के BCS में है। इस जगह का नाम इसी स्कूल के नाम से पड़ गया है, यानी कि BCS। तो चलो अब अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्कूल के बारे में। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम BCS स्कूल में घूमेंगे, जो कि एशिया का सबसे पुराना बोर्डिंग स्कूल है। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको पूछ लेता हूँ, तो हाँ जी, क्या हाल चाल आप सबके? सब बढ़िया, हिप हॉप एंड टिप टॉप है ना? मैं बहुत बढ़िया हूँ, यानी कि एकदम फर्स्ट क्लास। तो अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। स्कूल के अंदर बच्चों के लिए बहुत सी एक्टिविटीज़ है, यानी कि इंडोर और आउटडोर हर एक एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, जैसे कि प्लेइंग हो गया, स्विमिंग हो गई, डांसिंग हो गई, यानी कि हर एक एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। खेलने के लिए यहाँ पर बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट और चेस और भी बहुत सी गेमें यहाँ पर बच्चों को खिलाई जाती है। स्कूल का अपना ही स्विमिंग पूल है और क्रिकेट ग्राउंड भी है और साथ में फुटबॉल ग्राउंड भी है। तो गाइस, ये है विश्व कॉटन स्कूल जो आप देख रहे हैं। स्कूल का भवन बहुत सुंदर है और एक शांत प्लेस में है, जहाँ पर स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इस स्कूल से बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति पढ़कर गए हैं। सबसे पहले जो हिमाचल से बिलोंग करते हैं उनकी बात करते हैं, तो सबसे पहले नाम आता है राजा वीरभद्र सिंह जी का, जो कि हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने भी इसी स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। आजकल हिमाचल प्रदेश के जो PW मंत्री और खेल मंत्री विक्रमादित्य जी है, उन्होंने भी इसी स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। अब बात करते हैं और प्रमुख हस्तियों की जिन्होंने इस स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है। सबसे पहले बात करते हैं भारत के प्रमुख बिजनेसमैन रतन टाटा जी की, उन्होंने भी इसी स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। अब बात करते हैं ललित मोदी जी की, जो कि IPL के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इसी स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। गोल्फ स्टार जी मिल्खा सिंह जी, उन्होंने भी इसी स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। अब बात करते हैं मयंक डागर जी की, जो कि भारतीय क्रिकेटर है, उन्होंने भी इसी स्कूल से अपनी शिक्षा प्राप्त की है। और भी बहुत ही मुख्य हस्तियाँ यहाँ से पढ़कर गई है, सभी का नाम मैं नहीं बता सकता, नहीं तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। इस स्कूल में बच्चों के लिए छात्रावास की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है, इसकी देख रेख और बच्चों के लिए अलग से स्टाफ की व्यवस्था की गई है। स्कूल के अंदर एक चर्च भी है। इस स्कूल में हर एक जगह के लिए अलग अलग स्टाफ है। इस स्कूल के अंदर बच्चों के लिए हर एक सुविधा का प्रयोग किया गया है। अपनी इन विशेष उपलब्धियों के कारण विश्व कॉटन स्कूल देश में ही नहीं अपितु विश्व में भी प्रसिद्ध है। स्कूल का भवन और छात्रावास और स्कूल की चर्च वाक्य में बहुत खूबसूरत है, और भी रेजिडेंस यहाँ पर बहुत खूबसूरत है। बच्चों के लिए सब सुविधा देखकर बहुत अच्छा लगा। तो गाइस, ये था विश्व का प्रसिद्ध स्कूल विश्व कॉटन स्कूल। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चंगा, फिर मिलते हो अगली बारी, तब तक के लिए बाय बाय।